A pendulum having a bob of mass small m is hanging in a ship sailing along the equator from east to west. एक ship है वो equator पे sail कर रहा है, मान ली अर्थ है, और इस एक ship है वो equator equator पे sail कर रहा है from east to west. ये जो direction होती है ये east होती है, ये जो direction होती है ये west होती है. जो ship है वो इस तरह से sail कर रहा है east to west. ठीक. और उस शिप पे एक पेंडुलम है, उसका मास कितना दिया है, पेंडुलम हैंग किया गया, उसका मास कितना दिया है, स्मॉल एम. ठीक है. व्हेन द शिप इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी नॉट. जब वाटर के रिस्पेक्ट में शिप जो है वो स्टेशनरी है, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जब शिप जो है स्टेशनरी है तब उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, टी नॉट. ठीक है. तो अगर टी नॉट की इक्वेशन बनाए, मान लिया ये पेंडुलम हैंग कर रहा है कुछ इस तरह से, ये आपकी स्मॉल एम मास की बॉब है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इस पर. तो एक तो नीचे की तरफ लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसका वेट एम जी. ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी नॉट. और शिप स्टेशनरी है, जब शिप स्टेशनरी है तो शिप की एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा. ठीक है. अर्थ के रिस्पेक्ट में शिप जो है वो स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है. ठीक है. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में शिप स्टेशनरी है, तो अगर आप स्पेस में खड़े होकर देखोगे तो अर्थ के साथ शिप भी आपको मूव करता हुआ दिखेगा. ठीक है. एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन कितनी दी है आपको, ओमेगा, और अर्थ की रेडियस कितनी दी है, आर. तो अगर आप स्पेस में खड़े होकर देखोगे तो अगर शिप अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है लेकिन वो स्पेस के रिस्पेक्ट में घूम रहा होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, अर्थ के साथ ही घूम रहा होगा, और जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वही शिप की एंगुलर वेलोसिटी है. ठीक. तो जब शिप एंगुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो पेंडुलम शिप में लटका हुआ है वो भी एंगुलर मोशन कर रहा होगा. शिप में प्रेजेंट सारे पार्टिकल, सारे ऑब्जेक्ट्स एंगुलर मोशन कर रहे होंगे, और उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, और उन सबकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर. ठीक. तो इसकी वजह से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. ये इक्वेशन हम बना रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, शिप के रिस्पेक्ट में. तो शिप कैसा हुआ आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसके रिस्पेक्ट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कितना होगा वो. तो मास उसमें हम ऑब्जेक्ट का लेते हैं और फ्रेम लेते हैं, एसलेशन लेते हैं फ्रेम का, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर. और सब कुछ रेस्ट में है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी टी नॉट प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. शिप के रिस्पेक्ट में सब कुछ रेस्ट में, तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी. ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. शिप की स्पीड पूछी गई है. ठीक है. तो शिप की स्पीड, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो शिप भी जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होगा अर्थ के साथ ही, और शिप की जो वेलोसिटी होगी, तो वी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर ओमेगा. आपको आर भी क्वेश्चन में दिया है, आपको ओमेगा भी क्वेश्चन में दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा शिप की जो वेलोसिटी होगी अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो वो क्या होगी, आर ओमेगा. क्लियर. ठीक. अब जरा बी पार्ट पे पहुंचते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब. टी नॉट टेंशन और अर्थ का अट्रैक्शन जो होगा एम जी, उन दोनों का डिफरेंस पूछा गया. तो ये क्वेश्चन तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं. इसमें अगर टी नॉट को उस तरफ लेके जाएंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा एम जी माइनस टी नॉट के बराबर. तो टी नॉट और अर्थ के अट्रैक्शन का बेसिकली ये डिफरेंस है. अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा है तो अर्थ का अट्रैक्शन माइनस टी नॉट, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो बी पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा आपका, एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर. अब जरा सी पार्ट की तरफ चलते हैं. इफ द शिप सेल्स एट स्पीड वी, शिप जो है कहां से कहां मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो दे दी है स्पीड वी, और ये किसके रिस्पेक्ट में, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में. तो स्पेस के रिस्पेक्ट में शिप की वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो ऑब्जर्वर आपका स्पेस में खड़ा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में शिप की वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है. तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से इस तरफ वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर. अर्थ कहां मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर. ठीक. जबकि ईस्ट टू वेस्ट वो मूव कर रहा है अर्थ पर, कितनी वेलोसिटी, वी से. तो जो स्पेस के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी होगी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ शिप, समझना, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ.
तो वो कितनी है वी, ठीक है। और ऐसा करते हैं ईस्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो वी है वेस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस वी आई कैप, ठीक। फिर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, उसी पॉइंट की वेलोसिटी स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी है, वो है ओमेगा इंटू आर, और वो वेस्ट टू ईस्ट है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस आई कैप, ठीक। अगर इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो अर्थ क्या बन जाएगा आपका, इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस में खड़े होकर शिप की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, तो वो दिखेगी ओमेगा आर माइनस वी आई कैप, ठीक है, ओमेगा आर माइनस वी आई कैप। डेफिनेटली ओमेगा आर ही ज्यादा होगी, वी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शिप ऐसा नहीं है जो कि 24 घंटे में पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा दे, 24 आवर्स में एक पूरी अर्थ का चक्कर लगा दे, इतना तेज चलने वाला कोई शिप नहीं है, शिप बड़े आराम से चलते हैं, ठीक है। तो ओमेगा आर ही ज्यादा होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है ओमेगा आर माइनस वी आई कैप। तो ये नेट वेलोसिटी है शिप की, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है थर्ड पार्ट में, आपसे टेंशन पूछा गया है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो फिर से हम वही पेंडुलम बनाएंगे, सारे फोर्सेस दिखाएंगे और टेंशन फाइंड करेंगे। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका पहले तो वेट लग रहा होगा, अर्थ का अट्रैक्शन एम जी, टेंशन टी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी मैंने फाइंड कर लिया, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर कितना है, यानी ओमेगा आर माइनस वी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इक्वेट करते हैं शिप के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन बनाइए शिप के रिस्पेक्ट में, सब कुछ रेस्ट में ही होगा। तो टेंशन टी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम अपॉन आर ओमेगा आर माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ठीक है। ओमेगा आर में अगर कॉमन ले लूं इसमें से, तो टी प्लस ओमेगा आर इसमें से बाहर लिख लिया, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, अंदर क्या है बचेगा, अंदर बचेगा वन माइनस वी वाई ओमेगा आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ गया वन माइनस वी ओवर ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू एम जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया जनरली जो शिप की वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर से काफी कम होती है। अगर शिप ओमेगा आर की स्पीड से चलेगा तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। ये तो स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, शिप बहुत धीमे स्पीड से चलता है, महीनों महीनों लगते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो जनरली शिप की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर से बहुत कम होती है, तो जब ये बहुत कम है तो वी अपॉन ओमेगा आर ये जो टर्म होगा ये वन के रिस्पेक्ट में काफी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि ये जो पावर है ये अंदर आ जाएगी, ये कब होता है, जब ये वाला टर्म वन के कंपेरेटिवली काफी छोटा होता है, और जो कि यहाँ पे है। तो टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर जो आ जाएगा वो वन माइनस टू वी ओवर ओमेगा आर के बराबर होगा इज इक्वल टू एम जी, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू टू वी वाई ओमेगा आर इज इक्वल टू एम जी। कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो टी जो आएगा आपका वो आपका आ जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस टू एम ओमेगा इंटू वी, ठीक। अब ये जो टर्म देखो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही टी नॉट था, पहली इक्वेशन हम देखते हैं, तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर आ जाएगा, टी नॉट के बराबर। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये यही क्या है आपकी, टी नॉट है, तो टी इज इक्वल टू आ गया आपका
टी नॉट प्लस टू एम ओमेगा वी, तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके साथ अप्रोक्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ऊपर एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया, कौन सा अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्लियर?